चलिए इधर देखो, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस इज दैट क्लियर? तो ये जब बात आती है सॉल्यूशंस की, तो हम सॉल्यूशन में तीन पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशंस यानी कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स। सेकेंड पार्ट कंसंट्रेशन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जितने भी बेसिक लॉज है, जिसमें आपके पास तीन तरह के लॉज आएंगे कंसंट्रेशन के जस्ट बाद। डाल्टन्स लॉ, राउट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। ये तीन चीजें आपको इसके जस्ट वन बाय वन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फेज डायग्राम, और फोर्थ नंबर पे फिर मैं लूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब हमें फोर्थ पॉइंट में इसको खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स आप ऑलरेडी फिजिकल में दो बार पढ़ चुके होते हैं, एक पहले काइनेटिक के अंदर हो चुका होता है यूज, और उससे पहले आपका मोल कंसेप्ट में भी यूज हो चुका होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन वापस ही रहता है। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है क्या, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन कहलाता है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट का रेशियो या सॉल्यूट सॉल्यूशन का रेशियो किसी भी फॉर्मेट में बताना कंसंट्रेशन यूनिट कहलाता है। तो डेफिनेशन हमारे पास यही है। कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज टू फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन होता है और सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस इन मिक्सचर। यानी इससे ये तो हमें पता चल गया कि ये डिफाइन ही तब हो गई जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। आप साथ के साथ लिख सकते हैं, जब क्या होगा मिक्सचर होगा, बिना मिक्सचर के लिए आप बता ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो जब आपके पास मिक्सचर होगा तभी ये सब चीजें बताओगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट दिस दिस। तो अब अगले बार हमारे पास होगा, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है वो है मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रेशियो होगा, हर चीज ही कोई ना कोई रेशियो है। तो ये है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कंटेनर में आपको कैसे भी वॉल्यूम दिया जाए सॉल्यूशन का, वो आपको यहाँ डिवाइड करना है, मोल आपको डिवाइड करना है। मोल आपको वेट की फॉर्मेट में देंगे तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास करके आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से पहले एक और चीज, हम मोल को, मोलरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं, मोल को एन से शो करते हैं, वॉल्यूम को वी से शो करते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि मोल इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता है, सही है? और मोलरिटी की यूनिट जो होती है कैपिटल एम, मैं इसको बड़ी मम्मी बोलता हूँ, ये होती है मोल डिवाइडेड बाय लीटर। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको कभी भी किसी भी नॉर्मल एग्जाम्पल से कर सकते हैं, और हमें इतना ध्यान रखना चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस हमें दिया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर मोल निकल जाएंगे तो मोलरिटी भी निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा। सेकेंड नंबर की कंसंट्रेशन यूनिट है हमारे पास, वो है मोलरिटी।
मोलरिटी, मोलरिटी हमारे पास आता है डेफिनेशंस, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां सॉल्वेंट आता है और वो भी केजी में, ठीक है। तो यहां स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू सॉल्वेंट, ध्यान रखना। तो एम की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एम का मतलब हो गया छोटी, मम्मी मैं बोलता हूं, तो हमारे पास मोल, मोल का मतलब क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, लेकिन ये मोल किसके हैं, सॉल्यूट के, तो वेट भी किसका आएगा, सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मोलर वेट, मोलर वेट भी किसका आएगा, सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको डिवाइड करना है और उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड करोगे, 1000 का। तो छोटी मम्मी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू सॉल्वेंट। तो ये आपके पास सॉल्वेंट है और वो ऊपर क्या है आपके पास, सॉल्यूट। इन बातों का ध्यान रखेंगे, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, बाकी आप कर सकते हैं। थर्ड कंसंट्रेशन यूनिट जो आपके काम आती है वो है मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कुछ और नहीं है, ये बहुत इजी है लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है इस चैप्टर में, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल का मतलब हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये हो गया, और ये दोनों के लिए डिफाइन है, यदि यहां पर सॉल्यूट लिखा है तो ऊपर सॉल्यूट आएगा, और अगर यहां पर सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो ऊपर सॉल्वेंट आएगा, लाइक दिस, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अच्छी बात यह है कि दोनों का समेशन, अगर आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, वन। आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ये वैल्यू क्या आएगी, वन। तो कब इसका यूज भी हो सकता है कि अगर आपको सॉल्यूट दिया हुआ हो तो सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट दिया हो तो सॉल्यूट निकाल सकते हैं, बस वन में से माइनस करना है। एक होता है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ये भी बहुत काम की यूनिट है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 100। एक है परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन एमएल। इससे पहले वॉल्यूम लीटर में था, यहां पहली बार एमएल में आया, ये वेट ग्राम में लिया, पहले भी हम ग्राम में ही लेते थे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से हमारी सारी कंसल्टेशन यूनिट्स हो रही हैं एक के बाद एक। तो ये हमने 100 किया, इज दैट क्लियर। अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम में रिलेशन हमें याद होना चाहिए इस चैप्टर में, और कैपिटल एम इज इक्वल टू, इसको ऐसे याद कर लीजिए, एक छोटी मम्मी यानी छोटी मम्मी इक्वल टू 1000 बड़ी मम्मी अपॉन 1000 डेडी, डी यहां पर डेंसिटी है, माइनस बड़ी मम्मी मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट। छोटी मम्मी इक्वल टू 1000 बड़ी मम्मी अपॉन 1000 डेडी, डी फॉर डेंसिटी, माइनस बड़ी मम्मी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अगर आपको ये सारे फॉर्मेट याद है तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, कर लीजिए इसको। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है 6 नंबर का,
देखिए आपको यहाँ पर परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी दे रखा है, तो उसको भी रिलेट करिए आप। डब्ल्यू बाय वी दे रखा है तो आपके पास यहाँ पर ये यह होगा कैपिटल एम इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 आएगा ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा मॉलिकुलर वेट। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, W बाय V का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर ML इनटू 100। इसका मतलब है 100 ML में इतना मास है, 100 ML हो जाए ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट ही आपके लिए W होगा। 100 ML में इतना मास होगा तो 1000 ML में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। 1000 ML को क्या बोलोगे, 1 लीटर, और 1 लीटर में इतना मास अगर आपके पास आ चुका है तो आपको किसका डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ मोलर मास का। तो मैंने वही करा, 100 ML में इतना है तो 1000 ML में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सीधा रिलेशन मिलेगा आपको, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन मोलर मास इक्वल टू कैपिटल एम मोलरिटी। तो ये छोटा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर को आगे रन करने के लिए। तो आपने ये सब चीजें सीख ली, ठीक। नेक्स्ट हम अगला पार्ट में आ रहे हैं, और अगला पार्ट हमारा ये बता रहा है कि एक फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या है। फिर हम हेनरीज को और डाल्टन्स को और राउट्स को पढ़ेंगे। तो फेज डायग्राम हम पहले समझ लेते हैं। फेज डायग्राम, समझिएगा बात को, देखिए हो ये रहा है, तीन तरह की फेज होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो तीन तरह के पॉइंट्स भी आते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम रहे, समझना इस बात को, ये आपके पास सॉलिड है और ये आपके पास लिक्विड है। जनरली ऐसा देखा जाता है हाई टेम्परेचर पे पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, और लो टेम्परेचर पे पूरा लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है, हमें चाहिए कि आधा सॉलिड हो और आधा लिक्विड हो, उसे बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। ये दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर पे, दूसरा प्रेशर पर। पहला किस पे, टेम्परेचर पे, और दूसरा प्रेशर पे। प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ये इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज होती है। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा प्रेशर इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, क्या ये फिक्स होते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, लेकिन अगर ये फिक्स है तो ये भी फिक्स रहेगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। और इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम दस। और यहां पर इफ प्रेशर जो इक्विलिब्रियम का है वो 1 ATM ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, 1 ATM, तो उस टी इक्विलिब्रियम को आप बोलोगे टी फ्रीजिंग पॉइंट FP और इस नॉट, नॉट का मतलब प्रेशर स्टैंडर्ड है इसलिए ये भी स्टैंडर्ड कहलाएगा, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या अलग अलग है। देखो सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए आपने प्रोसेस कहां से चालू किया है वो इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड है तो आप बोलेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो बनाना शुरू किया आपने तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों टेम्परेचर सेम ही है, बस कॉन्सेप्ट में ये है कि कहां से आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग अलग आएगा, क्या नहीं, सेम आएगा। आ रही है बात समझ में। तो अगर आप पानी के लिए देखेंगे, वाटर के लिए देखेंगे तो वो कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो आपके लिए रहा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या ऐसा भी हो सकता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आए, हाँ इक्विलिब्रियम होना चाहिए। देखो
लिक्विड से वेपर बनाना है तो किसी भी टेम्परेचर पे बन जाएगी, 100 डिग्री पे भी बन जाएगी, 200 पे भी बन जाएगी वाटर के लिए, लेकिन दोनों में इक्विलिब्रियम बने रहे लिक्विड और वेपर के बीच में, तो वो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहेगा। और कब बना रहेगा? जब प्रेशर एक्सटर्नल 180 हो। तो इसीलिए हम यहां पर भी पी इक्विलिब्रियम और टी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस टी इक्विलिब्रियम को अपन बोलेंगे टी बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? टी बॉइलिंग पॉइंट। और यहां टी इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे टी फ्रीजिंग पॉइंट या टी मेल्टिंग पॉइंट। ऊपर की तरफ पी का मतलब पॉइंट है, पॉइंट का मतलब टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? तो या लगाना जरूरी है आपके लिए, आप दोनों को एक साथ नहीं बोलेंगे। तो ये तो आपके पास आ गया 10। और यहां पर भी केस है, इफ प्रेशर जो इक्विलिब्रियम का लिया हुआ है आपने, एक्सटर्नली रहेगा उस इक्विलिब्रियम को बनते वक्त, वो अगर 180 लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? 180, तो आपके पास जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बनेगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू फिक्स होती है? नहीं, वेरी करती है। किसके साथ? एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर 180 कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, हाँ, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर वो किसी और पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर की पॉइंट भी है, की पॉइंट क्या है ध्यान से देखिएगा इस जगह। क्या बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है? हाँ। या प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के साथ चेंज हो रहा है? हाँ। दोनों, तो उनमें क्या रिलेशन है उस चीज को समझते हैं, उस चीज को भी समझते हैं हम। तो वो हमारे पास है, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आता है हमारे पास लॉग पी 1/P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन की सहायता से, यानी हेल्प से, अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट दिया है और किसी और प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर प्रेशर पर आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो किसी और प्रेशर पर आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 180 पर P1 लिख दिया 180, बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपके पास? T1 की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में मत रखो, कैल्विन रखो, कितना है? 373, 373 रख दिया। और ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर प्रेशर 1/2 है ATM, तो 1/2 बताइए वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? अलग होगा, तो वो प्रेशर आप निकाल सकते हो। सही है? तो एक आइडिया से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होता है इस इक्वेशन में, वैसे वैसे उसी तरह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो ये आपके पास एक छोटा सा पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर आपके पास इस तरह का रिलेशंस बनेगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका पास? कम होता जाएगा। यानी कि आपको मान के चलिए कि अगर अर्थ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए 373 केल्विन है, तो एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट 373 नहीं होगा, हो सकता है ये 360 ही रह जाए केल्विन में, या 350 ही रह जाए, कम होगा, 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड का या सेल्सियस का डिफरेंस तो आना तय है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, की पॉइंट क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर में ये रिलेशन है। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में भी लग सकता है? हाँ, लग सकता है, ठीक है ना? तो फिलहाल तो मेरे लिए ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए लगा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से क्लियर है। फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत आएगी, हम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, एरर भी आती है। तो आप सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये पॉइंट लगाएंगे, ठीक है? अब आता है, आपने तीनों चीज पढ़ ली, सॉलिड लिक्विड दिस। थर्ड पॉइंट, क्या ऐसा हो सकता है कि लिक्विड
इस तरह से तीनों एक साथ नहीं, पहले हम लेंगे सॉलिड और सीधा वेपर या गैस जो भी है, इनमें इक्विलिब्रियम हो। हाँ देखो, सॉलिड को गर्म करो बहुत हाई टेम्परेचर पर, सीधा वेपर में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा? नहीं। सही है, तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा, ना वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ना कुछ कहलाएगा ना वो लेकिन ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करते हो साथ साथ, यानी 50% ये 50% ये, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे सब्लिमेशन टेम्परेचर। सब्लिमेशन टेम्परेचर यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे दोनों 50-50% हो, या ये बोला जाए पार्शियली ये पार्शियली रहे, कुछ सेकंड के लिए नहीं, इनफाइनाइट टाइम के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बहुत लंबे टाइम के लिए। तो ये हमारे लिए हो गया सब्लिमेशन टेम्परेचर। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों 33-33-33% हो? हाँ, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट आ सकता है कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर, या गैस भी बोल सकते हो आप, तीनों एक साथ हो तो टेम्परेचर को बोलेंगे हम टेम्परेचर प्रेशर, और टेम्परेचर प्रेशर ये एक ही वैल्यू होती है। टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज हमारे लिए कहलाएगी ट्रिपल पॉइंट। इमेजिन करिए कि आप एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें पानी उबल भी रहा है, बॉयल भी हो रहा है, समझ में आ रहा है, और आइस भी बना हुआ है, तो उस पॉइंट को आप बोलोगे ट्रिपल पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये रूम टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं मिलेगा आपको, 180 पे तो मिलेगा ही नहीं। तो इसको करने के लिए आपको एक ऐसा कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसमें प्रेशर बहुत ही कम हो, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट आप गेन कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको मिलेगा ही नहीं कि तीनों चीजें हों। तो आप समझिए बात को, ये आपके पास पानी है, एक तरफ बॉइल हो रहा है, बॉइल हो रहा है, और एक तरफ क्या है? क्रिस्टल है, आइस। अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो तब आप इस पॉइंट को बोलेंगे, ये आपके पास आइस है, ये बॉइल भी हो रहा है और ये लिक्विड भी है। तो बॉइल हो रहा है तो वेपर भी है, तो एक तरह से तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में है। और इसी पॉइंट को, यहां जो टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर रहेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ओवरऑल उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। क्या ये वेरिएबल होगा? नहीं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है, ये की पॉइंट बोलेंगे, इट इज ए फिक्स वैल्यू, इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो हमें यह तो समझ में आ गया ट्रिपल पॉइंट क्या है, लेकिन अगर हम फेज डायग्राम को डायग्राम की तरह समझें तो कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को अगर हम डायग्राम की तरह से समझते हैं तो कुछ इस तरह से चलेगा। मैं एक तरफ पैरामीटर ले रहा हूं प्रेशर का, एक तरफ ले रहा हूं टेम्परेचर का। किस तरफ प्रेशर ले रहा हूं? यहां, और यहां टेम्परेचर। ये है वाटर के लिए, वाटर फेज डायग्राम। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यहां पर आपके पास क्या है, इस जगह आपके पास प्योर सॉलिड, इस जगह लिक्विड,
लिक्विड, और इस जगह है आपके पास वेपर। तो एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ लिक्विड है, एक तरफ वेपर है। तो और इस पॉइंट को मैंने मान लिए तीनों नाम, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी और एक को नाम दिया सी, और इस तरफ सेंटर पे दे दिया नाम ओ। तो अब आप देखिए मेरे को बताइए, ओए क्या कहलाएगा इस जगह? सॉलिड लिक्विड के बीच में कर्व है, तो इसको कौन सा कर्व बोलेंगे? सॉलिड लिक्विड के लिए फ्यूजन, फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व। क्या आप बॉइलिंग, इससे बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं? नहीं। क्या इसे मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं? हाँ। तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे ए से ओ के बीच में, क्या बताएंगे आप? मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं यहां पर, तो क्या वो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। ए अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग है। तो आप कुछ खास पॉइंट्स बता रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है? कम। पक्का? और या प्रेशर जैसे जैसे कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बात एक ही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से बता रहा है कि हाई प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई प्रेशर पर लो होगा और लो प्रेशर पर हाई होगा। तो बताइए आप मेरे को, सिंपल सा है, एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ये मेरे पास पहाड़ है, ये मेरे पास पहाड़ है। बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा। मैं जैसे तैसे चढ़ के यहां पर देख रहा हूं, यहां पर कितना है? 1 ATM। और मान लीजिए इस जगह पहाड़ पर कितना है? 1/2 ATM। सही है। ये हमारे पास माउंटेन एवरेस्ट मान लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए यहां पर 1 ATM पे मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? जल्दी से बताइए, इस जगह मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है कैल्विन में बताइए? 273। हम बात कैल्विन में ही करेंगे। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मालूम है कि कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। प्रेशर कम हुआ है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और 273 से ज्यादा होगा। 273 से ज्यादा का मतलब कितना है? 273 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 280, समझ में आ रहा है, 290 भी हो सकता है, डिपेंड करता है हाइट कितनी है। तो यानी सिर्फ ये वाटर के केस में होता है, सॉलिड के केस में ऐसा, मतलब अदर सॉलिड्स के केस में या अदर सब्सटेंस के केस में ऐसा नहीं होता। डेंसिटी का कंसेप्ट से अदर के लिए तो दोनों में ही एक साथ प्रेशर बढ़ने पर दोनों ही चीजें बढ़ती है, यहां इन्वर्सली चल रही है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि पहाड़ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जमी हुई थी, क्या सही है क्या ये बात? हाँ सही है। घर पे इंडिया में क्या अर्थ सरफेस पे एटमोसफियर प्रेशर पर बर्फ को जमाना है, यानी आइस कर जमाना है, तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ले जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ 4 डिग्री पे भी जम जाएगी, यानी आपको ऐसा लगेगा धूप निकली हुई है फिर भी बर्फ जमी हुई है, ठीक है ना, कुछ देर के लिए। तो ये तो आपके पास रहा 10 कॉन्सेप्ट्स, क्लियर है? कोई ऐसा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ओ ए हो गया आपके पास, सही है। ओ बी को देखो, तो एक सेकेंड, अगर मैंने यहां पर 1 ATM कर दिया, ये देखिए ये मैंने प्रेशर लिख दिया 1 ATM, तो बताइए ये वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन क्योंकि ये 1 ATM पर है तो ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड, ठीक है ना। बस अंतर ये, कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला कर्व ओ बी, यानी ओ बी कर्व आपके लिए क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया, सेकंड पार्ट ओ बी कर्व क्या कहलाएगा आपके लिए? ओ बी कर्व को बोलोगे आप वेपर कर्व या सब्लिमेशन बोल सकते, सब्लिमेशन मत बोलो, वेपराइजेशन बोलो। सब्लिमेशन तो होता है सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज होना, सॉलिड से वेपर में चेंज होना। तो ये ओबी जो आपके पास आ रहा है ये इस तरह से है,
तो ये हमारे पास आ रहा है वेपराइजेशन कर्व। अब आप मेरे को बताइए कि यहां पर चलिए इसमें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर सॉरी आप ये देखिए प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां जो कर्व की शेप आ रही है प्रेशर बढ़ने के साथ, प्रेशर बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होता दिखाई दे रहा है आपको, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यही पहाड़ पे दोबारा गए हम, इस बार बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए गए। तो बताइए यहां पर आपके पास जब 180 है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373। क्लियर है? तो जहां 1/280 है वहां प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि प्रेशर कम हुआ है वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। कम होगा तो कितना होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो है कि कम होगा, लेस देन 373। तो यहां अगर अर्थ सरफेस पे बात करें तो दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, बॉइलिंग और मेल्टिंग के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 का डिफरेंस है। तो पहाड़ पर ये डिफरेंस बढ़ेगा या कम रहेगा या वही रहेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका देखो फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो जो 100 था वो अब घट जाएगा क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, तो ये गैप क्या हो गया, कम हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये बात तो हमारे पास की पॉइंट है। हाँ बेटा, इसीलिए पहाड़ पर प्रेशर कुकर का यूज बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां बॉइलिंग पॉइंट ही सपोज मान लीजिए 70 ही आ गया या 70-60 ही रह गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप किसी चीज को पकाएंगे खाना बनाने के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है ही नहीं, पानी में ही पकाना पड़ेगा। तो आपका पानी यानी वाटर जो आपके पास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे ही जाएगा वेपराइज हो जाएगा पूरी तरह से। अब आप किस में पकाएंगे, नहीं पकाएंगे तो आपको क्लोज कंटेनर यूज करना पड़ेगा जैसे प्रेशर कुकर, जिसमें एक तरह से आर्टिफिशियली आप प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है ना, क्लोज होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है और फिर उसके अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट कितना ही जा सकता है, डिपेंड्स ऑन प्रेशर कुकर कैपेसिटी कि वो कितना बना सकता है। तो की पॉइंट क्या है, ऑन हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, एट द हाइट एट द हाइट द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये तो हमारे पास हो गया 10। अब आता आती है थर्ड कर्व की और वो है हमारे पास सब्लिमेशन कर्व और उसका नाम है OC, सब्लिमेशन कर्व। आप पहले ही पढ़ चुके हो सब्लिमेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, देख सकते हो डायरेक्ट सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, वेपर, या वेपर डायरेक्ट किसमें चेंज हो रही है, सॉलिड में। जैसे कपूर देखते हो, कैंपर देख रहे हो आप घर पे, वो क्या होता है, सीधा सॉलिड होता है, थोड़ा सा भी गर्म होते ही वो क्या होगा, वेपराइज होता है, लिक्विड तो नहीं देखा ना। इसका मतलब उसका 180 पे मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो आप। अब देखो समझ में आ रहा है बात क्या, इसका ये जो प्रेशर है ना, ये ध्यान से सुनिएगा, 180 के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 180 के ऊपर आपको पानी के लिए यानी वाटर के लिए आपको सब्लिमेशन कर्व दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। यानी वाटर 180 या उससे ज्यादा पर पहले लिक्विड में चेंज होगा और फिर सॉलिड में, यानी पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर वेपर, डायरेक्ट चेंज ही नहीं हो सकता वाटर के केस में 180 के ऊपर। तो कोई और सॉलिड कुछ भी कर सकता है, वो उसका नेचर है। कोई समझ में आया ये, फिर बोल रहा हूं एक बार ध्यान से सुनना, वाटर 180 या उससे ऊपर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होगा। आप चाहते हो सीधा सॉलिड से वेपर, तो आपको 180 नहीं, बहुत कम 180 लेके जाना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आना चाहिए कि वैल्यू 180 से तो कम होगी। इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास OC कर्व क्या होगा, सब्लिमेशन कर्व। कुछ ही ऐसे कर्व हैं जिसके लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं
कपूर जो हम बोलते हैं घर में, उसका मतलब ये कर्व क्या होता है, उठा हुआ रहता है उसमें थोड़ा ऊपर, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट ओ का मतलब ओ कहाँ होगा, 180 से ऊपर होगा पॉइंट, तो उसमें ये आपको सब्लिमेशन कर्व देखने को मिलेगा, हर एक में नहीं मिलेगा। तो फिलहाल तो इस सब्लिमेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे और इससे ज़्यादा मुझे इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। तो हम वापिस आते हैं, ओ हमारे लिए क्या है, यहाँ पर ओ हमारे लिए कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट इस कर्व में ट्रिपल पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए छोटी छोटी चीजें। तो आपने तीन चीजें पढ़ी, पहला बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन पॉइंट क्या होता है और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा था आपने मेल्टिंग पॉइंट, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पर हों, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों, लिक्विड एंड वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पर हों, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, या वो पॉइंट जहां पर बॉइल होता हुआ दिखाई देता है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जहां सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। जहां तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इज दैट क्लियर? क्या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सब्लिमेशन पॉइंट प्रेशर के साथ चेंज होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन ट्रिपल पॉइंट फिक्स होता है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, इसका मतलब उसे फिक्स होना पड़ेगा, बाकी सब वेरिएबल होते हैं। तो ये आपने शॉर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आप लिख सकते हैं ओसीए सब्लिमेशन कर्व, ऑल थ्री स्टेट आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। ऑल थ्री स्टेट आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, बस यही आपके लिए ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन है। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए आप। इन केस ऑफ कपूर, आपका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा, या कोई भी और सॉलिड, वो कर्व कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो यहां आपको क्या दिख रहा है, ये ओ यानी की पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या की पॉइंट है, फेज डायग्राम में बता रहा हूं प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, ये पॉइंट हो गया आपके पास ओ। पॉइंट क्या है, ओ ए बी सी, सही है। तो यहां आपके पास क्या खास बात है, प्रेशर बढ़ने पर टी मेल्टिंग पॉइंट, टी बॉइलिंग पॉइंट, टी सब्लिमेशन पॉइंट सब बढ़ते हैं। आप देख लो, प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, या उल्टा भी देख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारे पॉइंट प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इनमें आपके पास डीपी बाई डीटी की वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है आप बता सकते हो, तो बताइए। यहां डीपी बाई डीटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 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 स्लोप। यहां डीपी बाई डीटी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहां डीपी बाई डीटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, या डीटी बाई डीपी कर लो आप, इज दैट क्लियर? प्रेशर बढ़ने के साथ कौन सी चीज पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है आप खुद समझ सकते हैं, लिख लीजिए। देखिए, हमने फेज डायग्राम पढ़ लिया, अब हम कुछ छोटे छोटे से रूल्स पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स रूल। डाल्टन्स रूल, ये डाल्टन्स रूल पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है, और पार्शियल टर्म्स तब डिफाइन होती है जब एक से ज्यादा गैसेस कंटेनर में हो। फॉर एग्जाम्पल,
ये आपके पास क्लोज कंटेनर है, जो बॉक्स में रखा हुआ है इस तरफ, इसमें एक से ज्यादा गैसेस है, लाइक दिस। हो गई दो गैसेस। मान लीजिए ये पी ए गैस है, इसका प्रेशर पी ए है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए। दूसरी गैस आपके पास इस तरह से है, जिसका प्रेशर पी बी है और मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। तो डाल्टन यही कहता है बहुत आसान भाषा में कि जो पी टोटल होगा, पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी होगा। सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, पी ए प्लस पी बी होगा। क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के समेशन इक्वल होगा, कोई डाउट नहीं है। और एक और चीज कहता है पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप खुद ही बताइए, एन टोटल, एन टोटल पी इक्वल टू एन आर टी बाय वी, कोई दिक्कत नहीं है, पी टोटल की जगह अपन रख सकते हैं। तो ये डेराइव कैसे किया उसने, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पी ए की जगह एन ए आर टी अपॉन वी टोटल प्लस एन बी आर टी वी टोटल, वी टोटल क्रॉस हो गया, आर टी क्रॉस हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एन ए प्लस एन बी की वैल्यू एन टोटल होती है, हाँ, यानी टोटल मोल का समेशन वही आ गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। मैंने डाल्टन से एक और चीज बोली कि यानी आप ये पहले तो आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो, उसने कहा कि द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज इक्वल टू पी टोटल, फर्स्ट स्टेटमेंट। मैंने कहा ठीक है लिखा जाए इसको, द टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ये ईच गैस के नीचे अंडरलाइन, गैस के अलावा अगर लिक्विड है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सॉलिड और लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं होता, दिमाग में बैठा के चलो, तो सिर्फ गैस को ही हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो उसको मैंने प्रूव कर भी दिया है। दूसरा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है सिर्फ उसी गैस का प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब है इंडिविजुअल प्रेशर, इंड्यूसर प्रेशर ऑफ गैस। इस फॉर एग्जांपल पी ए पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे, मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पी टोटल से। एक्स है यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस, गैसियस और वेपर फेज। लिख लीजिए इसको, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल ऑफ
गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल। बस इतना इस बात का ध्यान रखेंगे हम, किस बात का, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम सिर्फ गैसेस के मोल कंसीडर करेंगे और सब्सटेंस के नहीं करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल इफ ए 5 लीटर क्लोज कंटेनर हैव 30 ग्राम H2, 100 ग्राम O2 एंड 200 ग्राम Br2 एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm नहीं, हाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन एट 1 atm प्रेशर, देन फाइंड पार्शियल प्रेशर, ऑफ ईच गैस तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि लिक्विड प्रेशर नहीं अप्लाई करेगी, और Br2 1 atm पे क्या है, लिक्विड है, O2 क्या है, गैस है, H2 क्या है, गैस है। तो लिक्विड और सॉलिड को तो ऐसे हटा दो जैसे वो कंटेनर में है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, आपके लिए फायदा रहेगा। तो आपके लिए कंटेनर में क्या रहेगा, कौन सी गैसेस हैं आपके पास, H2 गैस है, कितने ग्राम है, 100 ग्राम नहीं 30 ग्राम, तो ये हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें मोल में चाहिए, तो कितने हुए 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 मोल। और O2 गैस कितना है, 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाय 32 मोल। हमें किसका प्रेशर निकालना चाहिए, पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, गैस का ही निकलेगा। तो हमारे पास सबसे पहले PH2 क्या चाहिए, पी फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, पी टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, और पी टोटल नहीं चाहिए, हाँ पी टोटल दिया हुआ है आपको, तो फिर यही लगाएंगे 1 atm मल्टीप्लाई बाय H2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 15 मोल H2 के डिवाइडेड बाय 15 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 32। और पी O2 कैसे निकालेंगे आप, पी टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 32 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 15। तो बहुत आसानी से आपने डाल्टन्स लॉ को समझ लिया है, करिए देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। ध्यान से सुनिएगा, दो फेज हैं, एक गैस एक वेपर, तो हम अलग अलग डेफिनेशन क्यों बोल रहे हैं। तो फर्स्ट, डू नॉट हैव इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज, यानी गैस और लिक्विड में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा रूम कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे, जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर से काफी कम है बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल H2O2 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन फ्लोरीन एक्सेट्रा, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इवन जैसे हीलियम का तो माइनस आपके पास पहुंच जाएगा -181 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मेल्टिंग की नहीं, तो इतना कम है। दूसरी तरफ वेपर, वेपर क्या होता है, हैव इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेस, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता, सॉरी उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी तो हमारे पास रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है H2O, एल्कोहल, पेट्रोल, ऑयल, इनके लिए आप क्या बोलोगे, वेपर टर्म बोलोगे, बनने वाली, पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल गैस नहीं बोलोगे, पेट्रोल वेपर बोलोगे, ज्यादा सही रहेगा, समझ में आ गया बात। तो अंतर क्या है कि यहां हमारे लिए वेपर है और ये हमारे लिए गैस है, कोई डाउट नहीं है, अच्छे समझ में आ गया। तो ये चीजें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। पेट्रोल गैस नहीं बोलेंगे आप, पेट्रोल के लिए वेपर वर्ड अच्छा है क्योंकि वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम रखता है,
समझ में आ रहा है, जो लिक्विड से बन जाए, यानी आप ऐसे समझिए कि रूम टेम्परेचर पे ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट गेन कर लेते हैं, तो इसका मतलब उनसे बनने वाली गैस को फिर गैस नहीं बोल के हम वेपर टर्म यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये लिक्विड नहीं, सॉलिड भी हो सकता था, सॉलिड गेन कर लेते हैं। आज समझना वाटर कैसे स्टेट में दिखेगा रूम टेम्परेचर में, लिक्विड, तो उससे बनने वाली गैस को फिर गैस नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, वेपर। लेकिन H2 रूम टेम्परेचर पे क्या रखता है, H2 ही रहता है, गैस ही रहता है, लिक्विड बनता है क्या, नहीं। तो बस ये है फर्क, तो इसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या अंतर है, ध्यान से सुनिएगा, ये P प्रोपोर्शनल 1/V को फॉलो करती हैं, आइडियल की तरह रहती हैं, जबकि इनमें ऐसा कोई रूल नहीं लगता। P प्रोपोर्शनल 1/V, ऐसा कोई रूल नहीं लगता, काट दो इसको लिख के। हो सकता है आप प्रेशर बढ़ाओ और वो अपना स्टेट ही चेंज कर ले, तो स्टेट चेंज करते ही सारे रूल खत्म। इज दैट क्लियर? तो यहां आपके पास बकायदा इनके बीच में कर्व आता है P और V के बीच में, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, तीन टर्म और हमारा इंतजार कर रही है, पहला वेपर प्रेशर, दूसरा एक्वस टेंशंस, और तीसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये तीनों में क्या डिफरेंस है समझिएगा। वेपर से बनने वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन तो साफ है, प्रेशर जनरेट बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हम इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, प्रेशर जनरेट बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दूसरा पॉइंट, यानी आप ये मान के चलिए कि लिक्विड से आपके पास वेपर बन रही है, सही है, तो वेपर प्रेशर जनरेट बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इस जगह बहुत इजी वे में मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा वेपर बनेगी ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो धीरे 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 बनती जाएगी। तो वेपर प्रेशर इज वेरिएबल क्वांटिटी, वेपर प्रेशर इज वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, वेपर प्रेशर इज वेरिएबल क्वांटिटी। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक समय क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस इक्विलिब्रियम पे हम इसको क्या बोल देंगे, एक्वस टेंशन। बस, तो एक तरह से वो हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो हम उसे क्या बोलेंगे यहां पर, एक्वस टेंशन। यानी मैक्सिमम पॉसिबल कब मिलेगा, जब आपके पास इक्विलिब्रियम गेन हो चुका हो। तो इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है तो इक्विलिब्रियम साइन भी लगाना पड़ेगा, और इस तरह से भी, इससे ज्यादा अब आपके पास नहीं आएगा, इससे ज्यादा अगर प्रेशर आएगा तो वो किस क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड होने लगेगा। तो एक तरह से इक्विलिब्रियम प्रेशर बोल सकते हो आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम प्रेशर बोल सकते हो, एक्वस टेंशन बोल सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर बोल सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा प्रेशर पर उल्टा मतलब वेपर क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। यानी आप सिंपल सा बात समझे, अगर प्रेशर की वैल्यू एक्वस टेंशन से ज्यादा है, इफ देन उस जगह क्या हो जाएगा, वेपर स्टार्ट टू कंडेंस इन लिक्विड,
स्टार्ट टू कंडेंस इन लिक्विड, लिक्विड में कंडेंस होने लग जाएगा, इससे ज्यादा ला नहीं सकते। तो आपके पास पैरामीटर आ गया, इसको बढ़ा सकते हो। हाँ, जैसे मान लीजिए ये 1 टॉर है, 2 टॉर है, 3 टॉर है, 4 टॉर है, 10 टॉर है, 10 टॉर मैक्सिमम पॉसिबल, अब इससे ज्यादा नहीं जा रहा, तो वो 10 टॉर ही आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्वस टेंशन। तो क्या एक्वस टेंशन को, ध्यान से सुनना, एक्वस टेंशन को हर जगह वेपर प्रेशर बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन बोल सकते हैं? हाँ, इक्विलिब्रियम पर। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दोनों का रेशियो, ये कम है ये ज्यादा है, को क्या बोलेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर एच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ H2O एंड एक्वस टेंशन इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्वस टेंशन, और परसेंटेज में बताया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से मेरे पास वेपर का प्रेशर क्या हो जाएगा? एक्वस टेंशन से तो कम ही रहेगा, एक्वस टेंशन मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय 100। ये दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत काम के हैं, आप बहुत आसानी से इस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ क्लोज कंटेनर इज 80% एंड एक्वस टेंशन इज 30 टोर, then find vapor pressure of water, vapor pressure of H2O। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं करना है, वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको ऊपर वाले फॉर्मूले को देखना है एक बार। एक्वस टेंशन कितना है आपके पास? 30, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 24 टॉर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कर सकते थे आप?